नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा डीटीएच वर्ल्ड। और दोस्तों, हमने आज जिस बॉक्स की बात हम करने जा रहे हैं, उस बॉक्स का नाम है F1 फायरबॉक्स। इसके बारे में हम पहले भी एक पार्ट का अनबॉक्सिंग का वीडियो बना चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। तब आज हम इसके अंदर SDS को कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे इंस्टॉलेशन के अंदर। इंस्टॉलेशन के अंदर दोस्तों, इसमें आप जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था, इसके अंदर दो पोर्ट होते हैं। एक आपका होता है आपका दो ट्यूनर होते हैं, ट्यूनर वन और ट्यूनर टू। जहां तक ट्यूनर वन है, वो ट्यूनर वन आपका हर सैटेलाइट के लिए होता है, जिस जो जो आप इसमें देखना चाहते हैं, जैसे कि आप जो मल्टी सैटेलाइट सेटअप आपका लगा होता है उसके लिए होता है। और ट्यूनर टू दोस्तों, इसमें SDS के लिए ही होता है। SDS का मतलब होता है सैटेलाइट डोंगल शेयरिंग। आप एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को ओपन करते हैं। इसमें दोस्तों कहीं भी इंटरनेट का यूज नहीं होता। बिना इंटरनेट के ही आप चैनल को प्ले कर सकते हैं। तो दिखाते हैं दोस्तों, इंस्टॉलेशन में जाके आपको सबसे पहले इंस्टॉलेशन में जाना है। इंस्टॉलेशन में जाके सबसे पहले आपको एंटीना सेटअप करना है। एंटीना सेटअप के अंदर आपको एंटीना सेटअप में जाके आपको सबसे लास्ट में पहुंचना है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको जो सैटेलाइट सेलेक्ट करनी है, उस सैटेलाइट का नाम है ये SABS, SABS-75EST। इसमें दोस्तों, इसकी एक फ्रिक्वेंसी है, टीपी है 12,524, हॉरिजॉन्टल में 30,000। इस टीप पे कम से कम आपको 70 से 80% सिग्नल होने चाहिए, तभी ये आपका काम करेगा, SDS वरना काम नहीं करेगा। आप इस टीवी पे 12,524 हॉरिजॉन्टल 30,000 मिनट इस टीवी पे आपके सिग्नल पूरे आ जाते हैं। तो उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाके आपको जाना है पैच मेन्यू के अंदर। पैच मेन्यू के अंदर जाना है। पैच मेन्यू के अंदर दोस्तों देखो, इसके अंदर आपका जो डिफॉल्ट मिलेगा वो डिसेबल मिलेगा। इसके अंदर आप IKS, सभी लोग जानते हैं इंटरनेट की शेयरिंग होता है, इंटरनेट कनेक्ट करके आप इसको चला सकते हैं। इसके अंदर आपको जो डिफॉल्ट सर्वर मिलता है वो अपना कनेक्ट हो जाएगा। बात दोस्तों आते हैं, हम आते हैं SDS के अंदर। SDS में होता है सैटेलाइट डाउनलोड शेयरिंग। इसके अंदर आपको SDS ट्यूनर दे रखा है, ट्यूनर टू, और SDS सैटेलाइट लिस्ट है आपकी, जिसमें ABS-75। इसी सैटेलाइट पे ही आपका SDS वर्क करेगा। तो दोस्तों, अब हम SDS को एक्टिवेट करके देखते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने इस बॉक्स का SDS पहले से एक्टिवेट कर रखा है, जिसमें ये आपको दिखा रहा है करंट डेट 14 जून 2023 और की चेंज हो रही है, यानी कि ये ABS-75 से कीज को उठा रहा है। इस बॉक्स का सीरियल नंबर आ गया। काउंट का मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, सब 0-0 हो रहा है। ट्यूनर लॉक यस है, और इसकी एक्सपायरी डेट आपको दे रखा है 24/7/2024। तो दोस्तों, ये 15 महीने का SDS सर्वर इसके अंदर एक्टिवेट हो चुका है। 15 महीने का IKS सर्विस को एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर अभी नेट हमने कनेक्ट नहीं किया है। इसके अंदर खाली अभी हमने SDS सर्वर को ही ऑन किया है, जो कि आपका एक्सपायरी डेट के साथ आ चुका, चल चुका है, और ये कीज को चेंज कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है। और उसके बाद आपके ट्यूनर टू वन के अंदर जो भी सेटेलाइट लगे हैं, जैसे कि मैंने इसके अंदर 105 लगा रखी थी, तो मैं आपको 105 दिखा देता हूँ। 105, 105 के अंदर दोस्तों, इसके अंदर आपके जो पैकेज फॉरएवर बॉक्स इसके अंदर आपके चलते हैं, वही पैकेज इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए देखो, जैसे का सोनी का पैकेज हो गया आपका पूरा, जो आप कलर चेंज होने से समझ गए होंगे कि कलर क्यों चेंज होते हैं और किस वजह से चेंज होते हैं। तो ये आपका SDS पे पैकेज वर्क कर रहा है आपका। और दूसरा आपका ये स्टार का पैकेज भी इस पे वर्क कर रहा है, जो फॉरएवर वर्क करता है। दोस्तों, इसको हम प्ले करके नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं, इसको ऐसे दिखा नहीं सकते। तो हम खाली आपको ये दिखा रहे हैं कि ये सब कलर चेंज हो रहा है, और ये आपके चैनल्स प्ले हो जाएंगे जब आप इसको
सिग्नल में कनेक्ट करोगे सिंगल से। दोस्तों इसके अंदर एसडीएस के थ्रू 76, 78 और आपकी 105 और आपके 108 की सिग्नल और 113 के यू बैंड आपका वर्क करता है। बाकी दोस्तों आपके जो रेस्ट ऑफ पैकेज हैं वो आईकेएस पर वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी अपडेट थी एसडीआर को कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे आप चैनल को प्ले कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।